नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में मैं रतनसेन भारती आज हम बात करेंगे बिहार में चौथे एक्सप्रेसवे के बारे में बिहार को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है बता दें कि गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे निर्माण होगा इस सड़क का अधिकतर हिस्सा उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगा बताया जा रहा है कि यह सड़क उत्तर बिहार के लिए लाइफलाइन साबित होगी यह सड़क बिहार यूपी और बंगाल के बीच न केवल यातायात में सहायक होगा बल्कि यह व्यापार की दृष्टि से भी काफी लाभदायक होगा बता दें कि इस एक्सप्रेस के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है इसके बाद से पथ निर्माण विभाग इसकी रूपरेखा बनाने में कार जो है वह शुरू कर दी है बता दें कि वर्तमान में सिलीगुड़ी के बीच में कोई सीधी सड़क नहीं है इस कारण से गोरखपुर से सिलीगुड़ी की दूरी तय करने में लोगों को एक दिन का समय लग जाता है जब यह एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो जाएगी तो गोरखपुर और सिल्लीगुड़ी इन दोनों शहरों के बीच की दूरी घटकर 600 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी बताया जा रहा है कि यह एक्सप्रेस 6 से 8 लेन का होगा वहीं इस एक्सप्रेस में से 416 किलोमीटर बिहार से होकर गुजरेगी यानी कि इस एक्सप्रेस के निर्माण से सबसे अधिक लाभ बिहार को होने वाला है बिहार सरकार भले ही यह कहती रही हो कि हमारे यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है या फिर हम पाँच घंटे में प्रदेश के किसी भी हिस्से से राजधानी पहुँच सकते हैं या फिर बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक दिन में कोई भी व्यक्ति प्रदेश के किसी भी हिस्से से राजधानी में अपना काम करा कर अपने घर जा सकता है लेकिन एक दूसरी सच्चाई यह भी है कि बिहार अभी भी एक्सप्रेस के मामले में काफ़ी पीछे है बिहार में चौथे एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होकर बिहार के गोपालगंज में प्रवेश करेगी उसके बाद सिवान छपरा मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल सहरसा पूर्णिया किशनगंज होते हुए सिल्लीगुड़ी जाएगी बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेस का पूरा हिस्सा ग्रीन फील्ड होगा किसी पुरानी सड़क से एक्सप्रेस पे में शामिल नहीं करने की योजना है क्योंकि एक्सप्रेस पे हर गाड़ियों की रफ्तार सौ किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होगी बता दें कि यह तभी संभव है जब सड़क सीधी हो इसे देखते हुए इस सड़क का अलाइनमेंट भी इस तरह का किया गया है कि यह एक्सप्रेस वे गोरखपुर से सीधे सिलीगुड़ी तक जाए आबादी से हटकर इस सड़क का निर्माण होगा ताकि जमीन अधिग्रहण में अधिक समय नहीं हो बिहार पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन के अनुसार गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण से सबसे अधिक बिहार को लाभ होगा और यह सड़क प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा इससे जहां लोगों को यात्रा सुगम होगी तो फिर वही विकास के नए रास्ते खुलेंगे बता दें कि बिहार में चार थे एक्सप्रेस की बात जो है वह सामने आ गई है और केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर मंजूरी दे दी है और पथ निर्माण विभाग जो है अभी इस पे काम करने की बात कह रहा है इससे दस जिलों को बिहार के जो है दस जिले उसको सीधा लाभ मिलने वाला है खास करके अगर आप सिल्लीगुड़ी जाना चाहते हैं तो इसमें जो है यह एक्सप्रेसवे काफी मददगार साबित होगा इस एक्सप्रेसवे से सबसे ज्यादा बिहार में व्यापार को लेकर जो है, वह फायदा होने वाला है बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ मुझे दीजिए इजाजत धन्यवाद